गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको क्लास फिफ्थ का ईवीएस पढ़ाया जाएगा जो चैप्टर थ्री में है, कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेट क्या होता है कि हम जब एक बीमारी दूसरों को दूसरे में दे देते हैं तो इसे कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसे छुआछूत की कोई बीमारी है, वायरस की कोई बीमारी है, ये एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाती हैं, तो इसी की विषय में आज आपको पढ़ाया जाएगा। चैप्टर थ्री है, कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया एंड स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर एंड फूड। जो ये बीमारियां जो एक दूसरे से हमें मिलती हैं या हम दूसरों को दे सकते हैं, ये बहुत छोटी छोटी जीवाणुओं से बनी होती हैं, जैसे वायरस है कोई भी, बैक्टीरिया है, जो हवाओं में है या पानी से या भोजन के माध्यम से शरीर में पहुँच जाती हैं। कम्युनिकेटेड डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयर एंड एयर आर ऑल्सो कॉल्ड द ब्रोन डिजीज। वो बीमारियाँ जो एक से दूसरे में हवाओं के माध्यम से पहुँच जाती हैं उन्हें हम ब्रोन डिजीजेस कहते हैं। देर आर मेनली थ्री काइंड ऑफ जर्म्स विच कॉज डिजीज। मुख्यतः तीन प्रकार के जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो बीमारियों के कारण बनते हैं। पहला होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? पहले बैक्टीरिया है, फिर वायरस है और प्रोटोजोआ है। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में जानें। बैक्टीरिया आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यह एक बहुत छोटा सा जीवाश्म है जो लगभग हर जगह पाया जाता है। दे मे बी राउंड रॉड शेप्ड आर स्पाइनल शेप। इनका आकार गोल भी हो सकता है और एक लंबाई में भी हो सकता है। इनके आकार इसकी कोई सही स्थिति नहीं है, कुछ भी किसी कैसे भी हो सकते हैं। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू अस एंड कॉज डिजीजेस लाइक कॉलरा, टाइफाइड, प्लेग या ट्यूबरक्लोसिस। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो बीमारियां, बहुत घातक बीमारियां भी पैदा कर देती हैं, जैसे कॉलरा, हैजा है हमारा, टाइफाइड है, तीव्र बुखार वाला, प्लेग है जो नॉर्मली चूहों से फैलता है जिसको हम तामून बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का फुल फॉर्म है टीबी, क्षय रोग। ये बीमारियां नॉर्मली बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, उनके माध्यम से होता है। वायरस क्या है? देयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया से भी जो छोटे होते हैं वो भी एक बहुत ही अति सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उन्हें हम वायरस कहते हैं। जैसे आजकल आप लोग सुन ही रहे हैं कि एक वायरस बहुत तीव्र गति से हमारे पूरे विश्व में फैला हुआ है कोरोना के नाम से, और उनका चित्र में बने हुए जो वायरस दिखाए जा रहे हैं सेम उसका आकार भी ऐसा ही है। दे कैन मल्टीप्लाई वन इन साइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी जीवित चीज में, जीवित वस्तु में, जीवित चीज में, किसी में भी ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सर बढ़ते जाते हैं। ये ऐसा नहीं एक अगर प्रवेश किया तो वो डबल हो जाएगा, फिर चार गुना हो जाएगा, दस गुना हो जाएगा, मीन्स ये बढ़ते हुए चले जाते हैं। दे आर कॉजिंग एजेंट्स ऑफ चिकन पॉक्स। ये और भी बहुत ज़्यादा जो कई बीमारियाँ होती हैं उनके ये कारण हैं, जैसे हमारा चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स जिसको हम चेचक रोग बोलते हैं, चेचक भी इसी वायरस की वजह से होता है। पोलियो, जिन लोगों को बच्चों को पोलियो वोलियो हो जाता है, जानते हैं पोलियो भी इसी वायरस की वजह से होता है। और कोल्ड फ्लू है, हमारी जो ठंडी में जो फ्लू एक यानी कि हमारा जो जुकाम हो जाता है, खांसी आती है, इस टाइप की जो है वो भी इन्हीं वायरस की वजह से होता है। प्रोटोजोआ ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा जर्म्स होते हैं, इसके बहुत छोटे जर्म्स होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म हैव सम सिमिलैरिटीज टू एनिमल सेल्स। ये जानवरों में जो पाए जाते हैं सेम उसी प्रकार का ही, उसी सेल की प्रकार के होते हैं। जैसे जानवरों में जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हीं जीवाश्मों की तरह से ही ये प्रोटोजोआ होते हैं। दे लिव ग्रो एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द लिविंग एनिमल। ये जिंदा जानवरों में जो हो वो उन्हीं में ये
जीते हैं और उसी में बड़े होते हैं और बढ़ते जाते हैं। दे कॉजेस डिजीजेस लाइक मलेरिया, डिसेंट्री, और ये मलेरिया और डिसेंट्री यानी पेचिश रोग के कारण बनते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, किस तरह से यह एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड थ्रू द फॉलोइंग मोड्स, जो हमारी ये एक दूसरे से डिजीज जो रोग ट्रांसफर होते हैं वो किस किस माध्यमों से होते हैं, आइए इनके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। थ्रू एयर, पहला होता है हवाओं के माध्यम से। व्हेन ए पर्सन कफ्स और स्नीज, जब कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है, थाउजेंड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स शूट आउट ऑफ हिज नोज एंड माउथ, तो हजारों छोटी छोटी बूंदे जो नहीं दिखाई पड़ती आपके नाक से मुंह से निकलती हैं। इफ द पर्सन इज इफेक्टेड देन द जर्म्स आर प्रेजेंट इन द वाटर ड्रॉपलेट्स, तो कहता है कि ये अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसके जर्म्स जो हैं उस वाटर ड्रॉपलेट में जो पानी की बूंदें होती निकलती हैं नाक से या मुंह के द्वारा उसमें वो मौजूद होते हैं। दी जर्म्स ट्रेवल थ्रू द एयर, ये हवाओं में ये तैर जाते हैं या हवाओं के माध्यम से। व्हेन ए हेल्दी पर्सन इनहेल दिस एयर, और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति भी सांस को खींचता है, सांस लेता है, ही ब्रीथ्स इन दिस डिजीज कॉजिंग जर्म्स दस गेटिंग इन्फेक्टेड, तो उस तरह से वो सांस लेने पर वो जर्म्स उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वो भी व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। यानी कि जब भी आप छींकें या खांसें तो आप अपने नाक को और मुंह को या तो रुमाल से, टिश्यू पेपर से, या नहीं तो अपनी कोहनी से जरूर ही बंद कर लें। इससे क्या है कि आपको अगर जुखाम भी है वो भी दूसरों को पहुंच सकता है, जो भी सामने बैठा हुआ है उसे पहुंच सकता है, या हवाओं के माध्यम से भी ये पहुंच सकता है। थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, अब भोजन और पानी के माध्यम से भी किस तरह से पहुंचता है। यूजिंग अनक्लीन्ड यूटेंसिल्स, डर्टी हैंड्स, अनहेल्दी सैनिटरी हैबिट्स कंडीशन आर वे दैट इन्फेक्ट वाटर, जो हमारे बर्तन होते हैं जिनको हम भोजन में प्रयोग करते हैं या पानी पीने के लिए प्रयोग करते हैं, या हमारा हाथ गंदा होता है, या कोई गंदा जो हमारी सैनिटरीज है, कोई कपड़ा उपड़ा ऐसा है, तो ऐसी जो हमारी आदतें हैं, जो आदतों में ये होता है, और इस तरह से हम अगर इन आदतों को अपने नहीं सुधारते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा पानी गंदा हो जाता है या बर्तन हमारे गंदे हो जाते हैं। तो जर्म्स कैन स्प्रेड थ्रू कम्युनिकेटेड फूड और वाटर, तो इस तरह से हम जो उसमें खाना खाते हैं या गिलास में पानी पीते हैं वो भी गंदे हो जाते हैं एंड कॉज डिजीजेस, और इसका कारण होता है कि हमारे रोग लग जाते हैं या हमें रोग पकड़ लेता है। और वो जिस तरह से जॉन्डिस है यानी पीलिया हमें इन्हीं गंदा पानी से या भोजन, गंदे भोजन से ही हमें पीलिया रोग हो जाता है। कॉलरा है यानी कि हैजा रोग, हैजा भी हमें इसी वजह से होता है। टाइफाइड यानी तीव्र बुखार, ये भी हमें इसी वजह से होता है। तो इस तरह से इसे, या कोई भी खूनी पेचिश है या सूखी पेचिश है, इस प्रकार की पेचिश के भी कारण यही जर्म्स होते हैं। थर्ड है थ्रू इंसेक्ट्स और एनिमल्स, कीड़ों के द्वारा या जानवरों के द्वारा भी कुछ रोग एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे मॉस्किटोज, फ्लीज, बग्स, फ्लाइज और सम इंसेक्ट्स दैट स्प्रेड इन्फेक्शन डिजीजेज, मच्छर हैं और खटमल हैं और ये आपके मक्खियां हैं, जो घरेलू मक्खियां हैं, ये कुछ ऐसे कीड़े हैं जो हमारे इन्फेक्शंस को, जो हमारे संक्रमण हैं, इनको फैलाते हैं, इससे हमें रोग हो जाता है। मलेरिया एंड डेंगू आर डिजीजेज दैट आर स्प्रेड बाई मॉस्किटो बाइट, मलेरिया और डेंगू ये ऐसे रोग हैं जो हमें मच्छर के काटने से होता है। फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो इज अ कैरियर ऑफ मलेरिया प्रोटोजोआ, वाइल फीमेल एडेस मॉस्किटो स्प्रेड डेंगू फीवर,
ये जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं ये, यानी जो मेल मॉस्किटो से ये नहीं फैलता, फीमेल से ही हमें ये मलेरिया और डेंगू का स्प्रेड होता है, फैलाव होता है। फोर्थ एक और पढ़ लें, थ्रू कॉन्टैक्ट, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आने पे यानी छूने पर, वी मे गेट ए डिजीज आइदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वेन वी आर कंटिन्यूअसली आर गोइंग अलॉन्ग विद द पेशेंट, यानी कुछ ऐसे होते हैं जैसे हम किसी मरीज के साथ में रह रहे हैं या उसको छू रहे हैं, तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो सीधे संपर्क में आ जाने से हमें हो जाते हैं, आर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, जैसे साबुन प्रयोग करने से, तौलिया प्रयोग करने से, या उसका रुमाल प्रयोग करने से, या कंघा के प्रयोग करने से, किसी रोग वाले के इनके प्रयोग से हमें कॉन्टैक्ट में आ जाने से ये हो जाते हैं। इसमें जो रोग कुछ डायरेक्ट, जैसे आप हाथ मिला रहे हैं किसी से तो उसका रोग आप में ट्रांसफर हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो आप ना भी छुएं, उनका तौलिया प्रयोग कर दिए, उनका कंघा प्रयोग कर दिए, इससे भी संक्रमण हो जाता है। तो बच्चों आज आपको यहीं तक वीडियो में पढ़ाया जाएगा, कल आपको इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा।